नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, 2 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, अभी भी युद्ध जारी है। लेकिन इस युद्ध से हमें क्या सीख मिलती है, व्हाट आर द लेसंस दैट कैन बी लर्न फॉर इंडिया, स्पेशली फॉर इंडियन आर्मी। आज हम लोग चर्चा करेंगे इनपुट्स और लेसंस टोल्ड बाय द न्यू आर्मी चीफ मनोज पांडे। तो आज हम लोग समझेंगे कि रशिया और यूक्रेन युद्ध से भारतीय आर्मी को क्या लेसन सीखने की जरूरत है, जो ऑलरेडी हमारे आर्मी चीफ बता चुके हैं। तो हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। एक सिंपल सा सवाल है, द ऑन गोइंग यूक्रेन रशिया वॉर हैज सम इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट लेसन फॉर द इंडियन आर्मी डिस्कस। अगर कुछ इस तरह का सवाल आ जाए तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको फॉर्डर मिलेगा टू अटेम्प्ट दिस। इनफैक्ट काफी रेडीमेड कंटेंट आपको दे चुके हैं हमारे आर्मी चीफ जो है मनोज पांडे भाई। तो आज हम लोग उन्हीं के आइडियाज समझेंगे, क्या लेसंस, व्हाट आर द लेसंस, इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com। इनफैक्ट चलिए आज मैं आपको डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे चलता हूं, जहां पे हम थोड़े से इनपुट्स लेंगे अबाउट आवर कोर्सेज। लेट अस गो टू आवर वेबसाइट। तो ये है हमारी वेबसाइट studyiq.com। अगर आज आप इसको ओपन करोगे तो यू आर अप फॉर अ सरप्राइज। आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन ऑल द स्मार्ट कोर्सेस। आपको कोड इस्तेमाल करना है ओनली फॉर टुडे, रिमेंबर ओनली न्यूमेरिक फॉर टुडे। इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो यू विल गेट 40% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेस। चलिए हमारी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट कोर्सेस। जीएस कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स कोर्स अवेलेबल है, गौरव गर्ग सर का हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप इसको ओपन करोगे, आप इसकी कोर्स कंटेंट देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल थे, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। इस कोर्स का दाम यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू विल गेट 40% डिस्काउंट ओवर एंड अबाउट दिस। इस कोर्स को बनाया गया है बाय सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन आवर कंट्री। यू कैन नो अबाउट द ऑथर्स ऑल्सो। अगर आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यू विल सी दैट द कोर्स हैज ऑल द आइडियाज। बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करोगे। प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, जो नया प्रोग्राम है हमारा। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। मेंस के लिए आपकी कंटिन्यूस कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग की क्वालिटी हम लोग इंप्रूव करते हैं। वीकली डाउट सेशंस है आपके लिए, यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। जस्ट गो टू द वेबसाइट, चेक आउट द डिटेल्स एंड देन डू अवेल दिस कोर्स। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड ओनली फॉर टुडे, केवल आज के लिए अवेलेबल है। चलिए डिस्कशन पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन आर्मी के चीफ मनोज पांडे ने खुद ही कुछ लेसन्स, कुछ इनपुट्स हमें बताए हैं। उसमें से एक है, वॉर्स डोंट हैव टू बी शॉर्ट एंड स्विफ्ट। तो आज हम लोग बात करते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट वी कैन गेट फ्रॉम द रशिया यूक्रेन क्राइसिस फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ जनरल मनोज पांडे। 5 लेसन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला लेसन क्या है? सबसे पहला लेसन जनरल बताते हैं कि अभी भी कन्वेंशनल वॉरफेयर का रेलेवेंस खत्म नहीं हुआ। देखिए, हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। इकोनॉमिक वॉरफेयर के बारे में बात करते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल मिलिट्री पावर, मिलिट्री माइट हैज बीन द पावर, और आज भी वो काफ़ी रेलेवेंट है, यही बताते हैं जनरल मनोज पांडे। तो पहला लेसन भारत के लिए है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर की जो क्षमता है हमारी, वो बढ़ाने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जो आर्टिलरी गन्स होती हैं, वेपन सिस्टम्स हो गए, डिफेंस सिस्टम्स हो गए, इन सारों का रेलेवेंस अभी भी है। क्यों? 70 दिनों से भी ज्यादा हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है। वो क्या चल रही है लड़ाई? इन्हीं से तो चल रही है, टैंक्स से चल रही है, आर्टिलरी से चल रही है, ऑफकोर्स फाइटर जेट्स वगैरह भी इन्वॉल्व है। दैट मीन्स कन्वेंशनल वॉरफेयर इज स्टिल वेरी वेरी रेलेवेंट। ये हमारा पहला लेसन। दूसरा लेसन क्या है? दूसरा लेसन है कि जब भी युद्ध होता है, जब भी कोई वॉर हो, कॉन्फ्रंटेशन हुई है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी शॉर्ट। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जब भी वॉरफेयर होती है तो छोटे से वॉरफेयर, जैसे इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, राइट, ऑलमोस्ट 1 महीना वॉर चला था, उसके बाद यूनिलैटरल सीज फायर हुआ। लेकिन अगर हम लोग अभी की बात करें, जनरल कहते हैं कि वॉर इज नॉट नेसेसरली शॉर्ट, यानी कि वो प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, अभी ऑलमोस्ट 75 डेज के ऊपर हो चुके हैं, राइट, मई 9 को 75th डे था, ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध को, अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि ये वॉर अभी भी चलने वाला है, एटलीस्ट 1 या 2 महीने और भी चलेगा, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन और भी बढ़ रही है।
तो सेकेंड लेसन हमारे लिए है, वॉर इज नॉट नेसेसरली शॉर्ट, वॉर कैन बी प्रोलॉन्ग, दैट वी कैन सी फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। और अगर वॉर प्रोलॉन्ग हुआ तो हमारे लिए थर्ड लेसन भी है। थर्ड लेसन क्या है, अभी हम लोग रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हम लोगों ने देख चुके कि कन्वेंशनल वॉरफेयर तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा नॉन कॉम्बैट वॉरफेयर स्पेशली इन साइबर एंड इन्फॉर्मेशन डोमेन हैज बिकम वेरी वेरी रिलेवेंट। 21st सेंचुरी में ये कहा जाता है द वॉरफेयर और द फाइट इज द फाइट ऑफ नैरेटिव्स, और ये हम लोगों ने यहीं पर नहीं देखा, हम लोगों ने बहुत जगह पे देखा हुआ, राइट। हाल ही में नगोर्नो काराबाख में हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट देखा था, वहां पे भी नैरेटिव्स कैसे हैंडल करते हैं, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे लड़ी जाती है, वो भी काफी प्रोमिनेंट बन चुका है। और इसको हाईलाइट किया है जनरल मनोज पांडे, दैट फ्रॉम द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कैसे बैटल ऑफ नैरेटिव्स इज यूज्ड टू गेन एडवांटेज, और कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को यहां से सीखने की जरूरत है, ये हाईलाइट किया है जनरल मनोज पांडे। नॉट जस्ट पांडे बट दूसरे एक्सपर्ट्स भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रह्मा चैनल इज देयर, ही हैज क्लियरली हाईलाइटेड दैट इंडियन मीडिया हैज फेल्ड टू हाईलाइट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट ऑफ जनरल पांडे। यहां पे इन्होंने हाईलाइट किया था द न्यू डोमेन ऑफ वॉरफेयर, दैट इज द इंफॉर्मेशन डोमेन, और यहां पे इंडिया को अपनी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, दैट इज अ थर्ड एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। और क्योंकि अभी हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया कि कन्वेंशनल वॉरफेयर काफी रेलेवेंट है, लंबी लड़ाई चल सकती है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल सकता है, तो इन सारी चीजों में हमें एक्सपर्टीज पानी चाहिए। साथ ही साथ अगर लंबा वॉरफेयर होगा तो उसके लिए लेसन नंबर 4 है, क्योंकि प्रोलॉन्ग हो रहा है तो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन चाहिए ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस। अब आर्मी चीफ पांडे ने कहा वी हैव इनफ टू लास्ट अ वाइल, अब ये अ वाइल क्या है ये नंबर हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते, इनफैक्ट ये नंबर हम बता भी नहीं सकते क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू इंडिया सिक्योरिटी, राइट। 1 month, 2 month, 3 month वी डू नॉट नो, बट वी हैव इनफ टू लास्ट अ वाइल। तो ये जो अ वाइल है इसको बढ़ाने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और यहाँ पे क्लियरली हाईलाइट किया जनरल ने कि हम लोगों को फ्रेंडली नेशंस जो है वहां से हमें जो भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस है उन्हें लाने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन। इसके अलावा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा दैट वी बिकम आत्मनिर्भर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और रशिया और यूक्रेन दोनों के ऊपर भी हम लोग काफी हद तक निर्भर रहते हैं फॉर वेपन सिस्टम्स, फॉर आर्म्स एंड एम्युनिशंस, लेकिन अब यहां पे युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच, तो क्या वो सप्लाई करेंगे? ऑफ कोर्स नो, देन वेयर विल वी गेट दैट फ्रॉम, ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा आत्मनिर्भर भारत इन द डिफेंस सेक्टर। तो ये हमारा चौथा लेसन कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन क्रिएट करनी चाहिए, ऑफ कोर्स फ्रेंडली नेशंस की जरूरत पड़ेगी, आर्म्स एंड एम्युनिशंस हमारे पास होने चाहिए फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये चौथा लेसन। पांचवा और आखिरी लेसन होगा अबाउट न्यू अलायंसेस, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स कुछ इस तरह से बदल रही है, हमेशा फ्लक्स में होती है, देयर इज ऑलवेज रीअलाइनमेंट एंड न्यू अलायंसेस, दे आर द रियलिटी टुडे, एंड जनरल पांडे हैज क्लियरली हाईलाइटेड दैट वी नीड टू फोकस ऑन सर्टन एरियाज, जैसे कि वी कैनॉट लेट गो अफगानिस्तान, वी कैनॉट लेट गो ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन्स, राइट। ऑफकोर्स इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर का विवाद चल रहा है, लेकिन उस विवाद के कारण हम लोग अफगानिस्तान के ऊपर हमारी जो नजर है वो नहीं हटा सकते, इंडो पैसिफिक रीजन को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, साथ ही साथ जो भी हमारे एडवर्सरीज हैं उनके ऊपर भी हमें नजर रखने की जरूरत है, और स्ट्रॉन्ग एलाइज स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बनाने की भी जरूरत है, ये आज की रियलिटी है, ये बताया जनरल मनोज पांडे। तो ये 5 लेसन्स थे फ्रॉम आर्मी चीफ हिमसेल्फ। इनफैक्ट इस पूरे डिस्कशन का उद्देश्य क्या है, देखिए इंडिया मैं कहूँगा 2020 से जब से इंडिया और चाइना के बीच गलवान वैली में क्लैशेस हुए तब से इंडिया अपनी जो सिक्योरिटी डोमेन में हमारी जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉग्निशंस की कैपेबिलिटीज काफी स्ट्रेंथन हो चुकी है। लेकिन इस पूरे डिस्कशन का उद्देश्य क्या था अल्टीमेटली इन 5 लेसन से या फिर रशिया यूक्रेन वॉर से जो लेसन हम लोग अभी सीख रहे हैं उससे हमें क्या बिल्ड करना है, उससे हमें एक इंडियन आर्मी बिल्ड करनी है जो मॉडर्न होगी, कैपेबल होगी, ऑप्टिमली स्ट्रक्चर्ड होगी, विच इज केपेबल ऑफ इवेंचुअली विनिंग द वॉर्स, बी इट शॉर्ट वॉर्स और बी इट प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स, इसके लिए हमारी इंडियन आर्मी तैयार होनी चाहिए, ये उद्देश्य है इस पूरे डिस्कशन। सो दीज आर द 5 लेसन्स दैट इंडियन आर्मी नीड्स टू लर्न फ्रॉम द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली फ्रॉम आर्मी चीफ हिमसेल्फ। दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। जय हिंद।